किसी भी निसंतान जोड़े की अगर सारी जांचें नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी अगर वो गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी ज्याला जैन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और आज हमारी IVF सीरीज़ में हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे उसका नाम है अस्पष्ट इनफर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। आखिर कौन से कपल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये अस्पष्ट इनफर्टिलिटी है? कई कपल्स जो एक साल से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं गर्भधारण की, और उनकी अगर सारी जांचें करवाई गई हैं जिसमें कोई भी कमी अगर नहीं पाई गई है, तो इन कपल्स को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से ग्रसित मानते हैं। ये देखा गया है कि 80% ऑफ द कपल्स जिनको कहा जाता है कि इनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, उसमें कुछ ना कुछ कारण मिल ही जाता है, और तब बीमारी का जब पता चलता है तो उसका इलाज भी होता है। लेकिन कुछ कपल्स हैं जो लगभग 10-20% कपल्स ऐसे भी हैं जिनमें हर तरीके के टेस्ट करवाने के बावजूद भी कोई भी कारण पकड़ में नहीं आता है, और ये कपल्स सच में अनएक्सप्लेन्ड या अस्पष्ट इनफर्टिलिटी से ग्रसित होते हैं। तो क्या क्या बीमारियां हैं या क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम बीमारी ढूंढ रहे हैं जिनसे ये अस्पष्टता या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो रही है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट भी हैं जिनको करने के बाद हम कह सकें कि इस कपल को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। सो पहले जो लेडी है, जो महिला है, उसके अंदर का जो योनि है, जो यूट्रस है, उसकी अंडेदानियाँ और उसकी फेलोपियन ट्यूब्स, ये सभी टेस्ट हो जानी चाहिए। और वेरियस टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड एंड ट्यूबल टेस्ट लाइक HSG, जिसकी हमने पहले ही बात करी है, एंड ओवुलेशन टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, अगर ये सब चीज़ें हो गई हैं और उसके बावजूद भी हर चीज़ नॉर्मल पाई गई है, इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट भी अगर नॉर्मल पाए गए हैं, तो ये महिला अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से ग्रसित हो सकती है। पुरुषों में सबसे ज़रूरी जो टेस्ट है उसको कहते हैं सीमन एनालिसिस, मतलब कि शुक्राणु की जाँच। अगर शुक्राणु का नंबर, मतलब सीमन कॉन्सेंट्रेशन, सीमन स्पर्म नंबर, और उसके अलावा उसकी मोटिलिटी, उसकी रफ्तार, उसकी क्वालिटी, अगर सब कुछ अच्छी है और उसके बावजूद भी कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, गर्भधारण नहीं कर पा रहा है, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में ध्यान रखनी है और क्या क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे कपल्स में देखा गया है कि जो कारण होते हैं जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, मतलब ऊपर से ना दिखने वाले। तो एक छोटे छोटे कारण जो अंदरूनी हमारे अंडे में या स्पर्म में होते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर वन कारण है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर बहुत महीन फिम्ब्रिया या बाल होते हैं, और ये महीन बाल जो रेशे होते हैं, ये अंडे को अंडेदानी से लेकर स्पर्म से उसको फर्टिलाइजेशन कराकर भ्रूण को यूट्रस के अंदर लाने का काम करते हैं। जब इन पतले पतले रेशों में कोई हल्की सी भी खराबी आ जाती है, तब हम देखते हैं कि कंसीव नहीं कर पाती लेडी। तो अगर हम HSG नामक ट्यूबल टेस्ट भी करते हैं जिसमें हमें दिखता है कि ट्यूब्स तो खुली हुई हैं, मतलब कि डाई ने पूरी ट्यूब में गई और बाहर पेट में भी गिरती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी जो ट्यूब है आपकी, फेलोपियन ट्यूब है, फिर भी वो अपना काम नहीं कर रही ठीक से, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और कई सारी बीमारियां हैं जिसके वजह से ये फेलोपियन ट्यूब में रेशों में दिक्कत पाई जाती है, और उसमें सबसे ज़रूरी जो कारण है उसका नाम है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। दूसरी बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, उसके अलावा पेल्विक इन्फेक्शंस और PIDs हम कहते हैं, जिसमें क्लमाइडिया और गनोरिया होते हैं। ये सारी बीमारियाँ बहुत हल्के सटल लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन फिम्ब्रिया रेशों को ख़राब करती हैं, और जिनके वजह से ये महिला कंसीव नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ जिस पे आते हैं हम, वो है महिला के एग्स, जो अंडे हैं उनकी जो गुणवत्ता है
उसमें भी कभी कभी इस लेवल पे खराबी आती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि अल्ट्रासाउंड पे तो दिखता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडे बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है। तो क्या कारण है कि अंडे की गुणवत्ता खराब हो रही है? उसमें हमने देखा है कि कई बार महिला की बढ़ती हुई उम्र की वजह से जो अंडे हैं उनकी गुणवत्ता खराब होती है, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, और स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन कर भी दे तो उसके आगे भ्रूण डेवलप नहीं हो पाता। इसके अलावा कभी कभी जो अंडे के ऊपर की परत होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, सख्त हो जाती है, और ये अंडा जो है उसमें पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है, मतलब कि जो स्पर्म है वो इस अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, जिसके वजह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखते हुए भी इस महिला के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी महिलाओं में आगे चल के हमें IVF और ICSI का सहारा लेना पड़ता है। उसके अलावा कई हार्मोनल दिक्कतें भी होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इस तरीके की दिक्कत आ रही है, जैसे कि थायराइड या प्रोलैक्टिन का हार्मोनल इम्बैलेंस होना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये परफेक्ट होने के बाद भी कभी कभी कुछ महिलाओं में एक हम कहते हैं हॉस्टाइल प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब जिस वक्त हस्बैंड के साथ यौन संबंध के बाद शुक्राणु वजाइना में आते हैं या उनको वहाँ छोड़ा जाता है, उस समय महिला के योनि में कुछ ऐसे हॉस्टाइल एलिमेंट्स होते हैं या ऐसे कुछ कण प्रोड्यूस होते हैं जो स्पर्म को तुरंत ख़राब कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जो स्पर्म है अगर वो क्वालिटी में अच्छा भी है तब भी वो आगे चलकर ऊपर योनि के अंदर नहीं जा पाता और अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की वजह से, अंडे की गुणवत्ता में कमी की वजह से और ट्यूब की गुणवत्ता में कमी की वजह से महिला में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पुरुष में, मेल पार्टनर में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का जो मुख्य कारण देखा गया है वो है स्पर्म का फंक्शनल डिफेक्ट, मतलब कि स्पर्म हो सकता है कि नंबर क्वांटिटी में, मोटिलिटी में भी और मतलब रफ्तार में भी बहुत अच्छा है, क्वांटिटी में भी अच्छा है, लेकिन जो उसका असली फंक्शन है, मतलब कि जो अंडे को फर्टिलाइज करने का जो उसका काम है वो वही नहीं कर पा रहा है। तो ये कई बार हम देखते हैं कि जो उसका DNA होता है वो अबनॉर्मल होता है, DNA फ्रैगमेंटेशन हो जाता है, या फर्टिलाइजिंग पोटेंशियल जो है गर्भ करने का जो पोटेंशियल है उसकी गुणवत्ता शुक्राणु की भी खराब हो जाती है। इसलिए इन सारे कारणों का हमारे पास अभी भी बड़े सारे जो हम कहते हैं टेस्ट अवेलेबल नहीं हैं, और असलियत में अगर देखा जाए तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक तरीके का डायग्नोसिस है जो हम सारी जांचें करने के बाद बनाते हैं। और ये जितने मैंने आपको कारण बताए ये हमारे IVF में जो हमारी टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुए हैं, और जब हम अंडे को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, एक शुक्राणु को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब हम उसका स्टडी कर पाते हैं तब हमें पता चला है कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बीमारी है, कमी है जो एक जोड़े को निसंतानता के वजह से वो पीड़ित है। तो आइए अगर हमें इसका पूरा कारण पता चल जाए तो उसके बाद हमें क्या उपचार करना चाहिए और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहली बात कि ये जो निसंतान कपिल है जिसको अस्पष्ट इनफर्टिलिटी है, मतलब कि बिना कारण की इनफर्टिलिटी है, ये कपल्स अगर यंग है, जोड़ा यंग है, अगर महिला की उम्र 35 से नीचे है, तो ये कपल्स स्वाभाविक रूप से ट्राई कर सकते हैं और नेचुरल वे से कंसीव भी हो सकता है। लेकिन अगर कपल को 3 साल से ज़्यादा हो जाए या महिला की उम्र 35 से ज़्यादा है तो ऐसे कपल्स को तुरंत अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उन्हें इलाज शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुई हैं, जिसमें देखा गया है कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो बीमारी या कमी है महिला में या पुरुष में, ये गुजरते हुए टाइम के साथ और ख़राब हो सकती है, और ये जोड़ा जो निसंतान है वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा उनको गर्भ धारण करने में और दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी सारी जांचें करवानी चाहिए, और अगर जांचें
नॉर्मल आते हुए भी कोई डॉक्टर आपको बताता है कि आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो आगे उसका उपचार कराइए। अगर आपको आगे बता दिया गया है कि आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ कारण हैं जो हमें मिल सकते हैं, कैसे? डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के द्वारा। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अल्ट्रासाउंड पे या ब्लड टेस्ट पे भी नहीं मिलती, तो इनके लिए हमने जो सबसे बड़ा कारगर टूल है उसका नाम है लैप्रोस्कोपी। जब हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सटल एंडोमेट्रियोसिस, मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस जो अंदर ही अंदर दिख रही है और अल्ट्रासाउंड पे नहीं पकड़ में आ रही है वो दिख जाती है, फेलोपियन ट्यूब्स में उनका आकार खराब होना या कहीं पे चिपक जाना, वो ये सारी चीज़ें हमें लैप्रोस्कोपी में दिख जाती हैं। और कई बार हम ट्यूब्स की टेस्टिंग भी साथ साथ में करते हैं, और अगर हमें कोई विकृति नज़र आती है तो हम उसको करेक्शन भी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करवाना। इससे आप समझिए कि 80% ऑफ कपल्स जिनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टाइल डायग्नोस कर दिया गया है उनका लेबल हट जाता है और उन्हें बीमारी का पता चल जाता है। 10-20% जो कपल्स रह जाते हैं जो लैप्रोस्कोपी के बावजूद भी जिनमें कोई कारण हमें नहीं पकड़ में आता है, इन कपल्स में हम सबसे पहले तो जो थेरेपी है वो लाइफस्टाइल पूरा चेंज करते हैं उनका, मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट्स हम उनको देते हैं, मल्टीविटामिंस देते हैं, फर्टाइल टाइम का उनको बताया जाता है। उसके अलावा सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट जो शुरू होता है उसको कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन, और साथ में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब IUI। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन क्या होता है? ओव्यूलेशन इंडक्शन में हम दवाइयाँ और इंजेक्शन, जो हार्मोनल इंजेक्शन्स होते हैं जैसे HMG और FSH, इन दवाइयों के साथ मिला के हम आपको देते हैं, जिससे आपके अंडे की जो उत्पन्नता है वो ज़्यादा बनती है, मतलब कि ज़्यादा अंडे उत्पन्न होते हैं। ये अंडे जब बन जाते हैं तो शुक्राणु को लेके लैब में प्रोसेस करके वॉश करके हम डायरेक्ट IUI का सहारा लेते हैं। IUI की डिटेल्स मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन जब IUI करते हैं तो ये एक तरीका का शॉर्टकट होता है। और इसमें अगर महिला के अंदर, मैंने बताया था आपको, योनि के अंदर हॉस्टाइल फैक्टर्स हैं तो वो सब बाईपास हो जाते हैं और पतली सी ट्यूब के जरिए जो स्पर्म है, जो बढ़िया नरिश्ड स्पर्म है, अब वो डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब के रास्ते के बिल्कुल पास में खुल जाता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करता है। तो इसमें चांसेस बहुत अच्छी हो जाती हैं, और कई कपल्स जो इनफर्टाइल हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर 3 IUI करने के बावजूद भी कोई कपल जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से ग्रसित है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें अगले स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए, और वो है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर महिला की उम्र 35 से ज़्यादा है या उन्हें शादी को ज़्यादा समय हो गया है, 3 साल से ज़्यादा, तो इस महिला को अगर IUI से भी सफलता नहीं मिली है तो उन्हें IVF करवाना चाहिए। IVF की सफलता अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छी है और लगभग 70-80% सक्सेस हम देखते हैं, क्योंकि IVF एक प्रक्रिया है जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम अपनी जो मुश्किलें हैं या बीमारियां हैं उसको हम इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन में या फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आनी जो आती है उसको हम IVF द्वारा दूर कर सकते हैं। IVF में महिला के ज़्यादा से ज़्यादा अंडे बना के उनको हम निकाल के लैब में जो शुक्राणु हैं उससे डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, जिसको हम ICSI की प्रक्रिया कहते हैं। इससे जो भ्रूण बनता है उसे डायरेक्ट माँ के, जो लेडी है उसके गर्भ में उसको डाल दिया जाता है। इस तरीके से IVF वो सारी मुश्किलें और जितनी जो बीमारियां हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं उनको हटाते हुए, उन्हें बाईपास करते हुए एक हेल्दी भ्रूण को यूट्रस के अंदर हम डाल पाते हैं, जिसके बाद एक हेल्दी बेबी की उत्पन्नता होती है। तो IVF एक बहुत अच्छा टूल है जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हमें बहुत फ़ायदा करता है। तो ऐसे निसंतान कपल जो हर टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप उम्मीद मत खोइए और आप IVF ट्रीटमेंट अपना करवाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।